शुरुआत। अनिल जी, जो लॉन्ग टर्म पिक मैंने चुनी है वो बेसिकली एक पेमेंट बैंक है, कंपनी का नाम है फिनो पेमेंट बैंक। इस बैंक की अगर हम खासियत देखें अनिल जी, तो लगातार हर क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ इनके निम्स में आ रहा है, इनके बिजनेस में आ रहा है। इनफैक्ट करीबन 11 लाख कस्टमर्स इनके हैं जो इन्होंने अभी मर्चेंट्स अपने बैंक पे ऑनबोर्ड किए हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की तेजी हम ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में देख रहे हैं, इनका मेन कस्टमर बेस रूरल और टायर वन और टायर टू मार्केट्स में से आता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 370-375 का टारगेट प्राइस आपको अगले 12-15 महीने में मिलेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक थोड़ा निवेश बनता है और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है करंट प्राइस पे। ओके, तो फिनो पेमेंट बैंक है पहला स्टॉक जहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय आती हुई अविनाश जी की तरफ से। अविनाश सर बताएं, फिनो पेमेंट के बाद आपकी पोजिशनल पिक। अनिल जी, जो अगली पोजिशनल पिक है मेरी वो एक लिकर और ब्रेवरी कंपनी है जिसका नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल लिमिटेड। अभी कंपनी का बेसिकली काफी पुरानी है, इनफैक्ट पिछले साल करीबन 550 करोड़ पे इन्होंने 61 करोड़ प्रॉफिट किया था। बट अनिल जी, इस कंपनी में दो इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स है जो शायद मार्केट्स को पूरी तरह से अभी पता नहीं है। एक तो इनका एक एथेनॉल प्लांट है जो करीबन अक्टूबर में शुरू होने वाला है, तो इससे डेफिनेटली अर्निंग्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और दूसरा, इन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग प्लान किया है। इन्होंने इनकी जो प्रमोटर कंपनी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट ब्रेवरीज, इस कंपनी को वैल्यू अनलॉकिंग के लिए आगे किया है। इस प्रपोजल में क्या होगा कि एसोसिएटेड अल्कोहल के शेयर होल्डर्स को माउंट एवरेस्ट के शेयर्स मिलेंगे। और अभी इन्होंने हाल ही में एक कंपनी का प्रेजेंटेशन बीएससी के एक्सचेंज पे प्रेजेंट किया है। माउंट एवरेस्ट ब्रेवरीज बेसिकली बियर बनाने वाली कंपनी और B2C सेगमेंट में काम करती है। इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो करीबन 18-19% है और पहले क्वार्टर में इस कंपनी ने करीबन 23 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो पूरे क्वार्टर की अगर हम बात करें तो इस मर्जर के बाद इस कंपनी का जो मुनाफा आता है पहले क्वार्टर का वो 36 करोड़ आता है। कंपनी की इक्विटी 18 करोड़ है, मर्जर के बाद इक्विटी करीबन 13-14 करोड़ होगी। तो वैल्यू अनलॉकिंग के लिए एसोसिएट अल्कोहल के शेयर होल्डर्स के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लग रहा है कि इस लेवल से जरूर खरीदना चाहिए क्योंकि एक अच्छी वैल्यू कंपनी जो प्रमोटर्स चलाते थे वो अभी एसोसिएट अल्कोहल में मर्ज होने वाली है और हमको लग रहा है कि करीबन 600 रुपए का टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी कम है अनिल जी इस काउंटर पे, बट वैल्यू अनलॉकिंग के लिए बहुत जगह है। तो मुझे लग रहा है कि ये शेयर डेफिनेटली पोजिशनल पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वालिफाइंग कैंडिडेट बनता है। 600 के बड़े टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। इनफैक्ट अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक मेरी सीमेंट कंपनी है और कंपनी का नाम है हेडलबर्ग सीमेंट। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की तेजी अभी सीमेंट कंपनीज में देखने को मिली है, अनुमान है कि बारिश के बाद का जो मौसम आएगा, क्वार्टरली नंबर्स आएंगे वो काफी अच्छे रहेंगे। हेडलबर्ग सीमेंट एक ऐसी कंपनी है जो ज्यादातर नॉर्थ और ईस्टर्न मार्केट्स में काम करती है, काफी वेल मैनेज्ड है और मुझे लग रहा है कि निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट टर्म मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से करीबन 230-240 का एक टारगेट प्राइस यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ी बहुत पोजीशन एक्युमुलेट करिए। मुझे लग रहा है बहुत शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म के लिए ये काफी अच्छा विकल्प है जो पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स देने की कैपेसिटी रखता है। ओके, सिमी जी बताइए आपकी शॉर्ट टर्म पिक।